Yes, Inspector Baldev here. Hello, Inspector साहब, मैं गोम्स विला से यहाँ का ड्राइवर दारा बोल रहा हूँ. हमारे मालिक रॉबर्ट गोम्स ने आत्महत्या की है. What? लेकिन कहाँ? यहाँ पर, गोम्स विला में. ठीक है, मैं अभी पहुँचता हूँ. दुबे. Yes sir. गोम्स विला के मालिक रॉबर्ट गोम्स ने आत्महत्या कर ली. आत्महत्या? हाँ. दुनिया का हर ऐश आराम होने के बावजूद कोई आदमी आत्महत्या क्यों करेगा? मुझे मामला कुछ पेचीदा सा लगता है. जी सर. हमें फौरन गोमसुला पहुंचना होगा. लेट्स गो. जिंदगी से बेजार हो चुका हूं. मैं आत्महत्या कर रहा हूं. रॉबर्ट गोम्स. दबे, इसे हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के पास भिजवा दो. जी सर. तीन फुट चार इंच. तीन फुट. रॉबर्ट गोम्स का एस्टेट मैनेजर. उनका सारा कारोबार मैं ही संभालता हूं. कितने सालों से काम कर रहे हो? जी यही कोई 5 साल. रॉबर्ट गोम्स का कोई करीबी रिश्तेदार? जी मेरी निगाह में तो वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेले थे. बस मिस आरती को ही अपना सब कुछ मानते थे. आरती जी, मिस्टर गोम्स आपके क्या लगते थे? वो मेरे पापा के अच्छे दोस्त थे. बचपन में ही एक कार एक्सीडेंट में पापा की मौत हो गई. उसके बाद अंकल गोम्स ने मेरी परवरिश की. यहाँ का ड्राइवर दारा तुम ही हो? जी सर. पुलिस को फोन तुम्ही ने किया था? जी. कैसे हुआ ये सर? इंस्पेक्टर साहब, कल मुझे कुछ जरूरी काम से गोम साहब ने शहर भेजा था. मैं काम पूरा करने के बाद देर से घर लौटा. काफी थका हुआ था इसलिए खाना खाते ही सो गया. मेरी आंख लगी ही थी कि कुछ अचानक चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी. दरवाजा खोलिए. दरवाजा
दरवाजा खोलिए गोम साहब। क्या हुआ क्या? पता नहीं गोम साहब को क्या हो गया, दरवाजा अंदर से बंद कर लिया है और नशे की हालत में तोड़फोड़ कर रहे हैं। मुझे डर है कहीं कुछ करना बैठे। गोम साहब दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए गोम साहब, दरवाजा खोलिए गोम साहब। दारा ऐसा करते दरवाजा तोड़ देते। पहले कि हम लोग अंदर पहुंचे, गोम साहब अपने आप को फांसी पर लटका चुके थे। बस उसके बाद मैंने आपको फोन कर दिया। मिस्टर कुमार, ऐसी क्या खास बात थी जो आप मिस्टर गोम्स का दरवाजा जोर जोर से पीट रहे थे? जी एक्चुअली मैं अपने कमरे में लेटा किताब पढ़ रहा था, अचानक गोम साहब के कमरे से शराब की बोतलों की टूटने की आवाजें आने लगी। मैं भागकर उनके कमरे के पास पहुंचा लेकिन कमरा अंदर से बंद था और गोम साहब चीख चीख कर कुछ कह रहे थे। क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे ये तो कुछ साफ साफ समझ में नहीं आ रहा था। मेरा ख्याल है वो शायद काफी नशे में थे। फिर क्या हुआ? बस इसी शोरगुल में आरती जी वहां पर पहुंची और फिर दारा आ गया। हम तीनों ने मिलकर गोम साहब के कमरे का दरवाजा बड़ी मुश्किल से तोड़ा, मगर अफसोस गोम साहब तब तक अपने आप को हैंग कर चुके थे। हेलो इंस्पेक्टर। हेलो, आई एम विजय सक्सेना, मैं गोम साहब का वकील हूं। ये सब कैसे हो गया? इस सवाल का जवाब तो अभी तक मुझे भी नहीं मिल पाया वकील साहब, मगर मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत जल्द इस मामले की तह तक पहुंच जाऊंगा। बस मुझे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कब तक मिल जाएगी? कल शाम तक। इसका मतलब है कल रात तक हमें बॉडी मिल सकती है? जी हाँ। इंस्पेक्टर साहब, मिस्टर गोम्स की ख्वाहिश थी कि मरने के बाद उनकी लाश को इसी बंगले के पीछे दफनाया जाए, इससे उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। उन्हें कभी शांति नहीं मिल सकती, मेरे आका की आत्मा को कभी शांति नहीं मिल सकती, कभी नहीं। मरे नहीं है, उनकी आत्मा ने सिर्फ शरीर को छोड़ा है। वो दोबारा लौट कर आएंगे। ये कौन है? जी ये फकीरा है, गोम साहब का खास आदमी। ये इसी तरह की बहकी बहकी बातें किया करता है, हम लोग कोई भी इसकी बात पर ध्यान नहीं देते। ओके, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद शायद दोबारा आप लोगों की जरूरत पड़े। अगर कोई आदमी आत्महत्या करने के इरादे से
फांसी का फंदा अपने गले में डालकर मरना चाहेगा तो जाहिर है वो कुछ इसी तरह से किसी स्टूल पे खड़े होकर फांसी का फंदा अपने गले में डालेगा। यू आर राइट सर। और फिर अपने पैरों से स्टूल को एक तरफ ढकेल देगा इस तरह। यस सर। स्टूल के गिरते ही फंदा कस जाएगा और वो शख्स फंदे पे लटक जाएगा, ठीक इस तरह। आप ठीक कह रहे हैं सर, रॉबर्ट गोम्स ने भी इसी तरह फांसी के फंदे पर लटक कर आत्महत्या की थी। बेवकूफ हो तुम, ये आत्महत्या नहीं कत्ल है। कत्ल? ये आप कैसे कह सकते हैं सर? दुबे, अगर कोई आदमी स्टूल पे खड़े होकर आत्महत्या करेगा तो स्टूल के गिर जाने के बाद वो हवा में लटक जाएगा जिससे फांसी का फंदा कस जाएगा। फांसी का फंदा कस जाने से उसके पैर जितनी स्टूल की हाइट है उससे थोड़े नीचे आ जाएंगे। करेक्ट सर। लेकिन गोम्स के केस में ऐसा नहीं हुआ। डेड बॉडी के पैर और जमीन के बीच का फासला था 3 फीट 4 इंच, जबकि स्टूल की हाइट थी सिर्फ 3 फीट। मतलब लटकने के बाद भी पैर और स्टूल के बीच में फासला था। ये कैसे हो सकता है सर? ऐसा ही हुआ है। कत्ल को आत्महत्या करार देने के लिए गोम्स को मारकर उसकी लाश फांसी के फंदे से लटका दी गई और जानबूझकर एक स्टूल उसके पैरों के पास गिरा दिया गया। कातिल ने प्लानिंग तो बहुत जबरदस्त की थी मगर बेचारा उस 4 इंच के गैप में फंस कर रह गया। दुबे, अब हमें यह पता लगाना है कि वो कातिल है कौन। ये कत्ल है या आत्महत्या, पुलिस इस नतीजे पर कभी नहीं पहुंच सकती। हम लोगों ने मिलकर रॉबर्ट गोम्स का कत्ल किया और दुनिया समझती है कि उस बेचारे ने आत्महत्या की। उसे जीने का कोई हक नहीं था। उसकी मौत तो इससे भी ज्यादा दर्दनाक होनी चाहिए थी। हमारे प्यार के रास्ते में जो भी कांटे बिछाने की कोशिश करेगा उसका यही अंजाम होगा। तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं जानेमन। अब सारी बंदिशें खत्म हो गई, करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक हैं। लेकिन कुमार, मुझे डर है कहीं उस इंस्पेक्टर को हम पर शक ना हो जाए। शक? शक का तो सवाल ही नहीं पैदा होता स्वीटहार्ट। हमने जिस सफाई के साथ उसका काम तमाम किया है, इंस्पेक्टर जिंदगी भर कोशिश करेगा तब भी नहीं पता लगा पाएगा कि रॉबर्ट गोम्स का कत्ल हुआ है या उसने आत्महत्या की है। मुझे अच्छी तरह याद है वो रात जब वो हरामजादा बैठा शराब पी रहा था और मैं उसका काम तमाम करने उसके कमरे में पहुंचा। ये क्या बदतमीजी है? जब आदमी के दिल से किसी का डर और इज्जत निकल जाए तो वो बदतमीज बन जाता है। नौकर की जबान कितनी ही लंबी क्यों ना हो जाए, मालिक के सामने उसकी औकात एक भूखे कुत्ते से बढ़कर नहीं होते। तो यही समझ ले कि आज ये भूखा कुत्ता तेरा शिकार करने आया है रॉबर्ट गोम्स। अपनी औकात की हदों को पार करने की कोशिश मत कर, वरना तेरा यहां सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा।
क्योंकि गोम्स स्टेट की हवाओं पर रॉबर्ट गोम्स का राज है। हवाओं ने अपना रुख बदल दिया है रॉबर्ट गोम्स। आज तेरी मौत की रात है। गेट लॉस्ट यू बास्टर्ड, अदरवाइज आई विल शूट यू। रिवॉल्वर इधर है गोम्स। लोग तो अपने दुश्मन को पानी पिला पिला कर मारते हैं, लेकिन नहीं, मैं तुझे शराब पिला कर मारूंगा। बहुत जल्दी है शराब पीने की। हाँ ले, पी, ले, पी, पी, ले। बहुत जल्दी है ना तुझे। You son of a bitch! Yippee! Yippee, Sale Gomes! Yes, Sale Robert Gomes! You son of a bitch! I will give you a lot of money today. Take it. Take it, Robert Gomes, that you have been ashamed of your life. जल्दी कर। अब लिख कि तू आत्महत्या कर रहा है। लिख कि तू आत्महत्या कर रहा है। जल्दी। हाँ शाबाश। तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कुत्ते आराम साधे। मुझे मारने के बाद ये मत समझ कितने रास्ते का डांटा साफ हो गया। मरने के बाद मैं तेरी जिंदगी में छोटे कर दूंगा। दुनिया की नजरों में धूल झोंकने के लिए मुझे बेटी बनाकर रखा और मुझ पर ही बुरी नजर डाली। तेरी यही सजा है। सजा? दुनिया की कोई भी ताकत रॉबर्ट गोम्स का खात्मा नहीं कर सकती। हाँ, याद रखना, याद रखना, मैं मौत के अंधेरों से पलट कर आऊंगा। तुम लोग मेरे कहर से बच नहीं पाओगे। Son of a bitch! Die!